ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 जून 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 20 जून रविवार 2021 का यह दिन कैसा रहेगा, क्या बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, किन किन चीज़ों में आपको लाभ होगा और किन किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी हैं, आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ प्रेम जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा करियर, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव होंगे, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं 20 जून 2021 के तुला राशि फल के बारे में। आइए जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में, आज क्या शुभ योग बन रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों में क्या बदलाव होंगे। 20 जून 2021 को शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, चित्रा नाम का नक्षत्र है, परिद नाम का योग है, रविवार का ये दिन है, चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे जबकि सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे, तो चंद्रमा यहाँ पर आपके ही लगन में मौजूद रहेंगे। बात करें अगर आज के राहुकाल के समय के बारे में तो ये समय होगा शाम 5:33 से लेकर शाम 7:14 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, कोई भी नया काम ना करें। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त के बारे में तो ये समय होगा दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:56 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे 20 जून 2021 का यह दिन आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आया है, आपकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, इस उपाय को आज आप जरूर करें, जरूर आजमाएं। चलिए बात करते हैं राशिफल के बारे में। चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आज आपके लग्न में विराजमान है, आपके तीसरे भाव में है, आपके पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का, माता का भाव है, सुख का भाव होता है। दोस्तों चंद्रमा की स्थिति बेहद शुभ आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है, आज आपके अंदर साहस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी बेहद साहसी आप दिखाई देंगे, साथ ही पराक्रम की अधिकता आपके अंदर देखी जाएगी और पराक्रम कमाल का होगा। खासतौर से आज का ये दिन विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा लाजवाब रहेगा, यानी अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में इस समय बैठते हैं तो इस दौरान बड़ा अच्छा प्रदर्शन आपका होगा, आज कामयाबी आपके कदम छू सकती है। तो इसके अलावा देखिए आज का ये दिन आपके लिए छोटी दूर की यात्राओं को करने का होगा क्योंकि यात्रा के योग बन रहे हैं, और साथ में देखिए यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ आपका बड़ा अच्छा सामंजस्य बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो आपके जरूरी कुछ काम होंगे उनमें आज थोड़ी देरी हो सकती है, हालांकि काम पूरे होंगे लेकिन धीमी गति से होंगे और थोड़ा विलंब भी आप इनके अंदर आपको देखना पड़ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा साहस आपको बनाकर रखना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। बाकी आज आपके परिवार का कोई सदस्य आपको कोई ऐसी सलाह दे सकता है जिसको सुनना आपके लिए ज़रूरी होगा और ये सलाह आपको आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर कुछ सलाह आपको कोई देता है तो उसकी सलाह को आप ज़रूर माने, वो आपके बेहद काम आएगी। बाकी स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियाँ भी आज आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में दिन काफ़ी अनुकूल रहेगा और आज आप हर काम को लेकर बेहद साहसी रहेंगे जिसकी वजह से आपको कोई निर्णय लेने में काफ़ी मदद मिलेगी, साहसी निर्णय आप इस समय ले पाएंगे, कोई रुका हुआ काम भी आपका इस समय बन सकता है। और देखिए एक चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा ये समय है, तो वो ये है कि अगर कोई सरकारी फाइल आपकी रुकी हुई थी या सरकारी काम आपका कोई अटका था, अधूरा था, तो वहाँ पर वो काम आपका पूरा होगा। साथ ही किसी नई योजना पर जाने का मौका आपको मिल सकता है या कोई बड़ी योजना आपके हाथ लग सकती है, और साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों जो ग्रह नक्षत्र हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन वहीं यहाँ पर आपके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ओर ये इशारा कर रहे हैं। दोस्तों समय की अनुकूलता का फ़ायदा आपको उठाना है, बाकी आज आपके द्वारा किए गए काम और आपके द्वारा किए गए सभी निर्णय सराहनीय होंगे। और यदि बात करें प्रेम जीवन की, लव लाइफ की, तो देखिए प्रेम प्रसंग भी आपके बड़े अच्छे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपके जीवन में कोई दस्तक दे सकता है, नए प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं, आपके लिए बड़ा शानदार दिन साबित होगा, एक यादगार दिन भी आप इसको कह सकते हैं, ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं। इसके अलावा देखिए आज आप बहुत मुश्किल काम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से अगर सोचें कि आप किस जगह क्या करना चाहते हैं, कौन सा कदम आपके लिए उचित है, यानी अपने विचारों में अगर आप स्पष्टता रखेंगे तो आपके बहुत अच्छा इस समय ये काम आएगा।
और इस दिन आप अपने सभी काम निपटा सकते हैं, अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस चीज़ का फायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी काम आप जल्दबाजी में ना करें, वरना जल्दबाजी के चक्कर में आप अपने काम बिगाड़ सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए बस सब्र से आपको काम लेना है, धैर्य बनाकर रखना है, तभी निश्चित तौर से आप जीत पाएंगे, आपको विजय हासिल होगी। और अपने कामों को पूरी तरह से समझने के बाद ही आपको सब्र के साथ करना होगा, तभी ये दिन आप लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा। और जहां तक करियर का सवाल है तो देखिए, सब कुछ अच्छा रहेगा और संतुष्टि आपके मन में होगी, यानी आज आप जो भी काम करेंगे, जिस भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो वहां संतुष्टि का भाव आपके मन में रहेगा, अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी। और यदि आप किसी होटल मैनेजमेंट के काम से जुड़े हुए हैं तो देखिए, आज आपके जो संबंध हैं मैनेजर के साथ बहुत बढ़िया रहेंगे, आप अपने बॉस के साथ संबंधों को सुधारने में कामयाब होंगे, जिनका प्रॉफिट आपको आगे देखने को जरूर मिलेगा। और देखिए, अगर हम इस राशि के व्यापारियों की बात करें, वित्तीय स्थिति की बात करें, तो आपके सामने जो भी अड़चनें थी, उन अड़चनों के बाद अब आप कामयाब होंगे पैसा कमाने में और अपने व्यवसाय में। आज आप उन मुद्दों को छोड़ने से बचेंगे जो आपके लिए समस्या खड़ी कर रहे थे। देखिए, ऐसे मुद्दों को छेड़ने से जरूर बचें, क्योंकि आज आप अपने कामों की रफ्तार में सही चल रहे हैं, आपके कामों की रफ्तार सही है। इसलिए यदि कोई आज आपकी राह में अड़चन डालेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं तो देखिए, आज आप किसी प्रॉपर्टी पर साइन करने से बचें, यदि करते भी हैं तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। हो सकता है इस समय कोई प्रॉपर्टी आपके लिए मुसीबत का मुद्दा बन जाए, इसलिए इन चीज़ों से थोड़ी सावधानी आज आपको रखनी है। आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज का ये दिन प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है, नई उमंग होगी, नया जीवन साथी होगा। आज आपके प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई आ सकता है, कोई आपको पसंद आ सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं और ये रिश्ता आपका काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, अपने विचारों को ठीक से अपने पार्टनर के सामने रखेंगे। और देखिए, संतान संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, या फिर आज आप किसी अच्छी जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। यानी कुल मिलाकर स्थितियाँ प्रेम जीवन के लिए अनुकूल बनी हुई हैं, आपसी प्रेम बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ यहाँ पर आपके बनी रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी आपको हो सकती है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। बुजुर्गों को भी इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, उनको बीपी की परेशानी हो सकती है, ब्लड प्रेशर या फिर मधुमेह की समस्या इस समय हो सकती है। तो देखिए, आज का ये दिन आपके लिए हर तरह से अच्छा कहा जा सकता है। यदि आपने अतीत में किसी को पैसा उधार दिया था तो अब आपको अपने पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं, पैसा वापस मिल सकता है। आज कुछ लोगों को अपनी किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। और देखिए, वित्तीय लाभ यहाँ पर आपको किस्मत दिला सकती है। यदि बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, छात्रों का करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा, या किसी भी परीक्षा में आज आप बैठेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही देखिए, आज कोई छोटा सा मौका आपको बड़ी डील दिला सकता है, आपके लिए बड़ी फायदेमंद स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं। आँखें खोलकर आप कानूनी संबंधों पर ध्यान दें, और जो आपके आसपास के लोग हैं वो आज आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। यानी अगर आपको किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो आप बेझिझक मदद मांग सकते हैं, ये मदद आपके लिए उचित रहेगी। साथ ही आज आपके परिजनों का विश्वास आपको आने वाले हर मुसीबत से बचाएगा। दोस्तों, परिजनों का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, स्थितियां हर तरह से आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं, बस इनका फ़ायदा आपको हर हाल में उठाना है। चलिए बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में, ये उपाय आज आप ज़रूर करें। देखिए क्या करना है, हनुमान भगवान जी के समक्ष एक घी का दीपक आज आप जरूर जलाएं। इसके अलावा प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। दोस्तों, ये उपाय है, इसको आप जरूर करें। अगर बात करें आपके नौकरी की, जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का ये दिन बड़ा उत्तम साबित होगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से बड़े लाभ की उम्मीदें आज आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो देखिए, इस समय आपका पद प्रमोशन हो सकता है, या फिर उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट आज आपके साथ होगा, या कोई बड़ी जिम्मेदारी आज आपको दी जा सकती है जिसको आप बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। और ये जिम्मेदारी निभाने के बाद अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है, ऐसी कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है,
तो देखिए पूरा मन लगाकर इसको पूरा करें, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको अपने जीवन में, अपने भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस काम को अपने हाथ में जरूर लें और इसको सही ढंग से, सही तरीके से पूरा करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो आपसे बड़ा प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों ऐसे मौके अपने हाथ से ना जाने दें, इनका फ़ायदा उठाएँ, लाभ उठाएँ। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।